लेकर के आया हूँ एक बहुत ही प्यारा वीडियो। हालांकि ये मेरी पहली वीडियो है इंग्लिश सब्जेक्ट में, जो कि मैं फ्यू, मेनी और लिटिल और मच के बारे में बताऊंगा। ये ग्रामर एरर है, दरअसल बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है कि आखिर मच का प्रयोग, मेनी का प्रयोग और लिटिल, फ्यू, इन सब चीजों का प्रयोग किस तरीके से किया जाए, ताकि ग्रामर में जो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम होता है, एरर आता है, वो मेरा गलत ना बने। सेंटेंस को किस तरीके से इसके आगे, किस तरीके से इसको हमें फिल करना है, ताकि हमारा सेंटेंस का मतलब जो एक्चुअल हो वो बने, ना कि कुछ उल्टा सीधा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम कम टू दी पॉइंट। तो चलिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्यू क्या है, मेनी क्या है और लिटिल और मच क्या है। तो पहले देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। तो काउंटेबल नाउन आपको याद होगा, अगर आपने तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ा होगा, तो काउंटेबल नाउन उसे बोलते हैं जो वैसे मतलब कि जिसे हम गिन सकते हैं, वो सब क्या होता है, काउंटेबल नाउन। जैसे कि सपोज मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो अगर मेरे पास दो तीन मार्कर होते हैं तो वो क्या होता है, काउंटेबल नाउन है। मार्कर क्या है, काउंटेबल नाउन है। बट अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जैसे वाटर, राइस, ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल है अनकाउंटेबल नाउन का। मतलब कि अगर काउंटेबल नाउन की बात करें तो फ्यू और मेनी का उपयोग होता है, और अनकाउंटेबल नाउन की बात करें जैसे वाटर या फिर राइस, इन सब चीजों की बात करें तो लिटिल और मच का प्रयोग होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्या है। अब यहां पे कंडीशन ये उठता है कि ये कब हमें करना है और ये कब लगाना है। तो देखिए, अभी आप फ्यू और लिटिल छोड़ दीजिए, अभी भूल जाइए, अभी सिर्फ आप मेनी और मच याद रखिए। तो मेनी और मच से पहले जानिए, मेनी का उपयोग कब होता है और मच का उपयोग कब होता है। तो सबसे पहले मेनी का उपयोग काउंटेबल नाउन में संख्या दर्शाने के लिए होता है। क्या दर्शाने के लिए होता है, संख्या। और मच का प्रयोग मात्र दर्शाने के लिए होता है। सपोज कीजिए कि जैसे कि संख्या, मेरे पास आई हैव मेनी पेन्स, मतलब मेरे पास बहुत संख्या में पेन है, समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलूं आई हैव मेनी राइस, तो ये कहना गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राइस को गिना नहीं जा सकता है, वो क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो उसके जगह पे हमें क्या लगाना होगा, मच लगाना होगा। फील आ रहा है बच्चों आपको, थोड़ा सा फील आएगा। आगे बढ़ते हैं हम, फ्यू और लिटिल के बारे में जानकारी लेते हैं। हालांकि फ्यू और लिटिल का भी मतलब यही होता है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम यह होता है कि फ्यू के आगे कभी ए लग जाता है, कभी द लग जाता है, या फिर कभी कभी सिंगल केवल फ्यू और सिंगल केवल लिटिल का उपयोग होता है। तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि किस तरीके से हमें कब, किस स्थिति में, किस पोजीशन में हमें कौन सा वर्ड को किस तरीके से यूज करना है। आप लोगों को मच और मेनी का मतलब समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको फ्यू और लिटिल के बारे में बताने जाता हूं। तो सबसे पहले लिटिल या फ्यू को जानने से पहले एक बात जान लीजिए कि फ्यू से तीन वर्ड बनता है। कौन कौन सा वर्ड, तो ए फ्यू, और इसी फ्यू से केवल फ्यू, और इसी फ्यू के आगे अगर द लग जाए तो इस फ्यू का मतलब चेंज हो जाता है। अगर ए लग जाए तो इस फ्यू का मतलब चेंज हो जाता है। पहले ही मैंने बताया है कि फ्यू का मतलब क्या होता है। तो फ्यू का मतलब होता है संख्या में कम। तो देखिए, फ्यू, अब फ्यू का मतलब होता है संख्या में कम लेकिन है। मतलब अगर मैं कहूं कि अगर मुझे चार पेन की जरूरत है, अगर मेरे पास एक पेन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या में कम है, जरूरत से कम है, बट क्या है, मेरे पास एटलीस्ट एक पेन तो है। इस तरीके से हम क्या लगाएंगे, अब फ्यू। अगर बोले कि अगर बोला जाए कि मेरे पास चार पेन होना चाहिए और मेरे पास चार पेन में से एक भी पेन नहीं है, मतलब बचने की उम्मीद जरा सी भी नहीं है, तो क्या लगाएंगे, फ्यू लगाएंगे। अब यहां पे समझिए, संख्या में लेकिन कम मगर निर्धारित। जैसे कि मान लीजिए कि निर्धारण है कि हमें चार पेन की जरूरत थी, बट मेरे पास क्या है, तीन ही पेन है। कितने पेन है, तीन ही पेन है। तो तीन पेन है तो क्या होगा,
संख्या में थोड़ा कम है, बट क्या है निर्धारण से थोड़ा ही कम है, जिसके वजह से हम द फ्यू लगाएंगे। आपको फील आ गया होगा थोड़ा कि अ फ्यू कहां लगेगा, केवल फ्यू कहां लगेगा और द फ्यू कहां लगेगा। तो इस तरीके से मैंने दिखा भी दिया है कि अ फ्यू का प्रयोग संख्या में कम लेकिन है, मतलब कि थोड़ा सा प्रेजेंट दिखाने के लिए, मतलब इस संख्या में बहुत कम है मगर इतना है कि हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे है कि संख्या में है ये है ही नहीं हमारे पास बिल्कुल, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ संख्या में इतना कम कि ना के बराबर, मतलब कि उसका वो रह ले और ना रह ले बराबर है। अब यहाँ पे देखिए द फ्यू संख्या में कम लेकिन निर्धारित, मतलब कि निर्धारित संख्या से थोड़ा कम है, मतलब कि अगर चार पेन का रिक्वायरमेंट था तो हमारे पास तीन पेन है। तो इस तरीके से फ्यू का हमने तीन वर्ड जाना। तो देखिए लिटिल, लिटिल के बारे में अ लिटिल, लिटिल और द लिटिल, ये तीन वर्ड में बढ़ जाता है, मतलब इसमें भी जिस तरीके से यहाँ पे ए लगा था आगे, यहाँ पे भी द द ए और द, इसके वजह से इनमें चेंजेस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी लिटिल का प्रयोग पहले जानिए कब होता है। लिटिल का प्रयोग होता है उस टाइम जब हम राइज, जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन को जब सेंटेंस बनाते हैं तो उस टाइम लिटिल का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कि राइस, वाटर, ये सब क्या है, मतलब कि हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन में अ लिटिल, लिटिल और द लिटिल को किस तरीके से फिट करेंगे वो देखिए। पहले तो समझिए कि ये हमें मात्रा दर्शाता है, मात्रा दर्शाता है मतलब कि हम पानी को मात्रा ही तो बोलेंगे, क्या उसको गिन सकते हैं आप कि एक पानी दो पानी, इस तरीके से तो नहीं गिन सकते। इस वजह से हमें मात्रा दिखाना पड़ता है, यानी कि एक लीटर दो लीटर, या फिर चावल को आप गिन नहीं सकते कि हमें दस सौ सौ चावल के दाने दे दीजिए। आप हमेशा ये बोलिएगा कि एक केजी चावल दे दीजिए, दो केजी चावल दे दीजिए, क्योंकि ये मात्रा होता है। तो अब इसी तरीके से मात्रा में, मात्रा वाली चीज में हम लोग क्या लगाते हैं, लिटिल का प्रयोग करते हैं। अब आपको थोड़ा फील आ गया होगा बट अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो मैं दूर कर देता हूं। क्या कि संख्या में कम है, मतलब मात्रा में कम है लेकिन है, मतलब कि आपको चाहिए था एक केजी, मान के चलिए कि आपको एक केजी चावल चाहिए था आपको जीवन यापन करने के लिए, तो जिसमें से आपको कितना मिला, आपको जीवन मतलब कि जितना चाहिए था उससे बहुत कम मिला, मतलब कि आपको चाहिए था एक केजी आपको मिला 100 ग्राम, तो आप क्या नाखुश होइएगा। तो वही चीज कह रहा है कि मात्रा में कम लेकिन है। अब यहाँ पे लिटिल का प्रयोग कब होता है, तो संख्या में इतना कम कि ना के बराबर। मान लीजिए आपको एक केजी की जरूरत है और आपको मैं 10 ग्राम चावल का दाना दूं, तो आप क्या कहिएगा, आपका जीवन यापन हो जाएगा, आप तो शायद उसे खा भी नहीं पाइएगा, खाने तो दूर मतलब उसको काउंट भी ऐसे ही गिर जाएगा आपके हाथ से। तो इसी तरीके से समझिए इस संख्या में इतना कम है कि ना के बराबर, अगर एक केजी की तुलना कीजिएगा उससे तो ना के बराबर आएगा। उसी तरीके से द लिटिल का प्रयोग कहां होता है, तो मात्रा में कम लेकिन निर्धारित से थोड़ा कम। जैसे कि आपको जरूरत था एक केजी के चावल की, अब आपके पास 900 ग्राम चावल है, तो आपके पास निर्धारित से हल्का ही कम है, ना कि मतलब कि इतना में आपका जीवन यापन हो सकता है, आपको जरूरत उतना का था बट आपने, आपके पास उससे थोड़ा कम है, इस वजह से यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द लिटिल। और इस तरीके से हम फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, लिटिल, द लिटिल और अ लिटिल के तीनों को किस तरीके से कब और कहां सेंटेंस में यूज करना है, ये हमने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताया कि अगर आपको इसी तरीके के और वीडियो चाहिए ग्रामर से रिलेटेड तो मैं आपको दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।